गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं व्रज के सोसाइटी में और दत्त का रिएक्शन उसके घर पे लेने वाले हैं। क्या लगता है घर पे क्या रिएक्शन निकलेंगे? पंखा चालू आमले दत्त आमले दीक। और गाइस व्रज के घर पे भी पता नहीं है कि वो मेरे घर पे था इतने टाइम से। उसको भूख लगी होगी, भूख लगी। गाइस अभी ना दत्त को बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी इसलिए वो थोड़ा अग्रेशन मोड में आ गया था व्रज को देखकर। अभी जैसा कि आपने थोड़ी क्लिप थोड़ी देर पहले देखा कि ये बहुत ही ज्यादा भौंक रहा था, अभी मुझे पता चल गया उसको बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। उसका डब्बा मैं लेकर ही आया था और इसका बाउल भी। अंजलि के घर जाके अभी इसको पानी पिलाऊंगा क्योंकि ये तो पानी देगा नहीं क्योंकि इसका घर बहुत ही ऊपर है इसलिए बोल रहा हूँ, उल्टा मत समझ यार। गाइस अभी ना दत्त ने पेट भर के खा लिया है बट अभी इसको प्यास लगी है और व्रज के घर से अंजलि का घर थोड़ा ही दूर है बट उतना दत्त को वेट करना पड़ेगा अंजलि के घर तक मैं पहुंच जाऊँ तब तक। कोई नहीं चलो। और कार तो भाई दत्त की वजह से मुझे कार बहुत ही ज्यादा यूज करने को मिलती है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई नहीं गाइस चलो अभी जाते हैं अंजलि के घर और उसका रिएक्शन देखते हैं किस तरीके से आता है और उसके बाद जाएंगे मित्रज के घर। अगर वो घर पर होगा जिम नहीं गया होगा तो अच्छी बात है। ये देखो क्या कर रहा है, खुदा ही काम कर रहा है ये। इसको प्यासी लगी है मुझे पता है बट अंजलि के घर तक पहुंचे तब तक इसको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। यार एक तो आगे सिग्नल रेड है और ये दत्त को बहुत ही ज्यादा अभी प्यास लगी है। कोई नहीं। हाँ हाँ मारो बच्चो, हाँ मारो गुड्डो। गाइस अभी ना मैं अंजलि को कॉल करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि बाहर आ, तेरे लिए सरप्राइज लेकर आया। वो बीमार है थोड़ी और देखते हैं वो आती है फिर नहीं। अंजलि करो बंजो, खोलो दरवाजो। तू बिना गाड़ी बंद कर लो। जो जो हूँ करे जो नहीं सीखवाड़ एने हजी कशुज नहीं सीखियो है तो लागे तू बीमार छे एवं हवे। केटले जोर जोर थी बूमो पाड़े आतर मादी को आतर ले तो यही ले जा, नहीं करो बस कसू। सो गाइज अभी आपने देखा कि अंजलि और व्रज की जो बहन है देवरुति दी, उन दोनों का रिएक्शन कैसा आया। बट गाइज इस पे पता है सीन क्या हुआ, मैंने ना अब बहुत सारे फुटेज शूट किए थे बट काफी सारे फुटेज इसमें वॉइस ही नहीं आई है और कुछ जो आई है वो भी उसका वॉइस इधर उधर है। मतलब मैं शूट कहाँ पर कर रहा हूँ, बोल कहाँ पर रहे हैं और आवाज़ पीछे 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 चल रही है। मतलब पता नहीं अभी फ़ोन में क्या इश्यू हुआ है, मुझे फ़ोन में पूरा चेक करना पड़ेगा क्योंकि जब मैं व्लॉग एडिट करने बैठा मेरा तो दिमाग हिल गया। 4 बजे व्लॉग रखने का मेरा टाइम है, 4:15 बज चुके हैं और 3 मिनट का ही व्लॉग हुआ है अभी। और
यार क्या हुआ मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा है, बट गाइस अंजलि का जो एपिक रिएक्शन है यार बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। आपने तो फुटेज में इतना देखा, बट वहां पर तो मैंने जो अंजलि को परेशान किया है, मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो बीमार है भाई, कितनी जोर जोर से चिल्ला रही थी। पता नहीं यार क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, जब सब कुछ कंप्लीट करता हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे धोखा दे ही देता है, और 4 बजे व्लॉग रखने का मेरा रह ही जाता है। 4 बजे तो एग्जैक्ट कभी भी नहीं आता, 4:11 को, 4:25 को, 59 को, मतलब ऐसे ऐसे टाइम सेट हो जाते हैं, बट एग्जैक्ट 4 बजे कोई भी मेरा व्लॉग रेडी ही नहीं होता है। और आज बीजे फूड चैनल का शूट भी है, सो अभी देखते हैं मम्मी क्या बनाती है। वैसे मम्मी ने कहा था कि काठी रोल है वो बनाएगी वेज, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन है, बट अभी देखते हैं क्या है। और आज ना दत्त का वेट विजिट था, क्योंकि उसको थोड़े इश्यूज और हो रहे हैं। गाइस वैसे हम लोग दत्त को कल ही वेट के पास ले जाने वाले थे, बट कल थी रथ यात्रा और आज हमारा बीजे फूड चैनल का शूट है, सो दोनों की वजह से सब कुछ रह गया। अभी कल तो पक्का ही ले जाएंगे, अगर कल पॉसिबल नहीं होता है तो परसों, बट कुछ भी करके उसको कल ले जाना पड़ेगा। उसको पेट में ना पता नहीं गाइस कुछ चिपक गया है, या फिर उसको अंदर से स्किन एलर्जी प्रॉब्लम, पता नहीं मुझे क्या है, बट वो उसके स्किन के साथ पूरी गंदी तरीके से चिपक गया और वो निकलता भी नहीं है। बट अभी देखते हैं क्या है, वो मुझे भी नहीं पता। वैसे कोई वो हम बोलते ना कोई इंसेक्ट विंसेक्ट नहीं है, बट आई डोंट नो क्या है। सो चलो अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा भाई, छोटे छोटे व्लॉग है बट प्लीज आप एंजॉय करना, लंबे व्लॉग लेकर मैं जरूर आऊंगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर आप इस व्लॉग को जल्दी जल्दी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज्यादा हो सके इस व्लॉग को शेयर करो। सो मेरी सेकंड चैनल है बीजे फूड चैनल, अगर आप फूडी हो तो मेरी चैनल को देख सकते हो, अगर आप फूडी नहीं हो फिर भी मेरी चैनल को देख सकते हो, देखने में तो भाई कोई हर्जी नहीं है। सो देख लेना, सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक शेयर सब कुछ कर देना। सो चलो अभी हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।